23 लोगों की मृत्यु होने की खबर है इस दुर्घटना में। बड़ी ही गंभीर घटना खबर हुई है। जो घायल व्यक्ति हैं उनका इलाज अभी खरगोन अस्पताल में भी चल रहा है और करीब 11 लोग हम लोगों ने MYH के लिए रेफ़र किए हैं, वहाँ इंदौर पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ MYH में पूरी टीम डॉक्टर्स की तैयार है, जैसे वे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत ही उनके लिए इलाज किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, प्रथम दृष्टया तो कहना अभी बहुत ही मुश्किल है, पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि ड्राइवर भी अपना वर्जन बार बार बदल रहा है। ड्राइवर जीवित है इसमें जी, तो ड्राइवर से जब बात हुई है तो उन्होंने अपने अलग अलग वर्जन दिए हैं। पहले कोई गाड़ी सामने आना बताया, फिर इसके बाद गाड़ी का पट्टा टूटना बताया। तो सारी चीज़ें, मैकेनिकल जांच और सारी चीज़ों का एक बार जब समग्र रूप से हम जांच करेंगे तभी इसका कारण हमारे सामने आ पाएगा। सर, ड्राइवर का गाड़ी से कूद गया था घटना होने से पहले? देखिए, ये सब अब जांच के बिंदु हैं, तो इन सब चीज़ों में अभी तो पहला प्राथमिकता हमारी घायलों का इलाज कराने की थी और वो भी घायल है ड्राइवर और उसका भी इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान ही जो हमारी बातचीत हुई है उसमें ये सब चीज़। कोई और गंभीर घायल की स्थिति क्या क्रिटिकल बनी हुई है या अभी स्थिर है? देखिए, अभी तो क्रिटिकली है लेकिन फिर भी इलाजरत है।